पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा थाना बाजाखाना में दर्ज FIR नंबर 128 में गिरफ्तार डेरा श्रद्धालुओं के पारिवारिक सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी अथाह श्रद्धा है, पावन ग्रंथ की बेअदबी करना तो दूर, ऐसा वे सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामले में पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक रंजिश के तहत हो रही है। पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रदीप सिंह के जीजा हरदीप सिंह और पत्नी सिमरन कौर, निशान सिंह की बेटी मनदीप कौर, सुखजिंदर सिंह की माता राजरानी, शक्ति सिंह की माता गुरचरण कौर, बलजीत सिंह की माता कुलविंदर कौर ने कहा कि पुलिस प्रशासन उनके परिवारों के साथ धक्केशाही कर रहा है। प्रदीप सिंह के जीजा हरदीप सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्रदीप की पत्नी सिमरन कौर ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है कि पुलिस ने अमानवीय अत्याचार कर धक्केशाही से बयान लिखे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे बेअदबी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा ने उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के तहत सरकार व पुलिस की मिलीभगत से यह कार्रवाई की जा रही है। असली इस करके हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेड़ा इना तक्का है जबर किया जा रहा है उदे खिलाफ जेड़ा असली दसना चाहते हैं भी ऐतवार को जोड़ा है साडा रिश्तेदार है कोटपुरे तो राजकुमार प्रदीप कुमार जी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शामिल करके परचे जोड़ा है किया है वो बारे अं दसना चाहते हैं भी ऑलरेडी पहला इन्होंने जी मिसेज है सिमरन कौर इन्हों वालों एक हाईकोर्ट च रिट पटिशन भी दायर की हुई है 2018 और उस तो पहला भी इनू चक्या सी जदों 2018 के उस समय असी रिट पटिशन भी दायर की जो हाईकोर्ट मानयोग हाईकोर्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट केस है इस टाइम वो असी यह सारी गल दसी हुई सी भी किस तरह जिहड़ा है पुलिस ने अणमनुखी शब्दत करके जिहड़ा है वह इन्हां तों कबूलियत करवाई अजिहा जिहड़ी बेअदबी है वह साडे मिशन वास्ते करनी तो दूर की गल सोच भी नहीं सकती क्योंकि सानू जो साडे मुर्शिद ने सिखाया है उही सिखाया भी सारे धर्मां दा जिहड़ा सत्कार करना तो मनुखता का जोड़ा है पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा हूँ जो नवा पैनल है क्योंकि पिछले लगातार 4.5 साल के जोड़ा है मानयोग हाईकोर्ट तो फटकारा पाई इन्वेस्टिगेशन जो बार बार चार बार हुई चार बार होने तो भी इन्हों कोई अजिहा कोर्ट में तत्थ नहीं मिले वो बावजूद देखो तीन इन्ह जे बंदे अज चके है उन्होंने पहला नारको टेस्ट भी हो चुके हैं उन्होंने जोड़े है फिंगरप्रिंट भी जाँच हो चुकी है एक भी तत्थ उन्होंने ये नहीं मिले भी जिद दोषी या कोई इन्हों का इनवॉल्वमेंट हो इन्हों हर एक तरह के टेस्ट हुए है पता नहीं इन पंजाब गवर्नमेंट में या इन्ह प्रशासनिक अधिकारियों की यह जहाँ क्ल्यू मिले जिदी वजह ने इन्होंने बीमार पे एक तो मेरे भाई साहब बीमार ही सी बैड पर उन्होंने बोतल लगी सी उन्होंने चक के लै गए 4:20 से परसों और फिर इन्होंने कहा मैं उत्थे सी कहते भी 4:20 से सू इन्होंने चक्या तो कहते जी असी तो थाने लेके चलने सिटी तो जो सिटी असी पहुंचे तो सू तो पता ही नहीं जी भी कौन लेके गया सारी रात भजे फिर परेशान है असीं साडा परिवार जिहड़े होर परिवार प्यार दिन दा फरमान मिल गया अज तुसीं सारे उहनां दे जिहड़े परिवार इत्थे इकट्ठे होए हो कोई शंके है कारण की बणे क्यों इकट्ठे होंदे पूरा ही शंका है जी देखो असीं तां हैरान है भी जिहड़ा इह रिमांड भी किस आधार ते जिहड़ा है माणयोग अदालत ने दित्ता है उहनां कोले कोई एडा कोई तत्थ भी नहीं सी क्योंकि बहस समय कुदरती जदों जज साहब नूं असीं पुछिआ भी वकील साहब नूं भी की मतलब तुसीं डिस्कशन बहस कीती गई उन्होंने कहा भी पूरा असीं सारी बहस की इन्होंने तत्थों से की कोई उन्होंने कोई सबूत नहीं सी बावजूद भी जरा जज साहब ने जोड़ा है इस तरह का जोड़ा पता नहीं क्यों जितों सानू तो इस तरह भी इंसाफ नज़र हजे तक तो नहीं आ रहा क्योंकि ये केस तो बिल्कुल ही साफ है ना ये तो समझ ही नहीं आ रही भी किस तरह जज साहब ने कि वो तत्थ उन्होंने नहीं पता मीडिया किन्ने ट्रायल चले कि कुछ होया वो जज साहब ने भी तो इस गल का पता है इतों तक जाच कह चलो तत्थों के आधार पर कुछ ना कुछ सोच लें चलो एक अद्धा दिन तो आप मन भी सकते हैं 4 दिन का रिमांड देना और हुण उत्थे पता नहीं उन्होंने की अणमनुखी शद्दत करना उन्होंने जमिंद्रपाल बिट्टू ना की होया देखो उन्होंने उत्थे उन्होंने कस्टडी से उन्होंने मौत हुई तो हुण इन्हां दा की पक्का है भी ये बेचारे सही सलामत वापस आउणगे या नहीं आउणगे हजे भी की पता जिहड़ा उत्थे शद्दत करदा ईवन की इन्होंने जो किया कपड़े तक लुहा के अलफ नंगे करके इन्होंने वो मैं आपकी जबान ना जी बोल के नहीं दस सकता जिस तरह का इन्होंने शद्दत किया है जुडिशियल अपना काम कर रही है कई बार लोअर लैवल से कुछ होर गल होंगी हाई लैवल से कुछ होर गल होंगी लोअर लैवल से बहुत दबाव क्यों मनिया जाता है समझ नहीं आती सिस्टम नू की हो गया
मंग यह है जी तुसीं अगर अगर एक भी क्ल्यू डेरा सच्चा सौदा दे प्रेमी किसी के भी खिलाफ कोई एक भी जिहड़ी सही जांच दे विचों एक भी तथ पाया जांदा तां असीं सिर वढ़ाउण नूं तैयार है, फांसी लगन नूं तैयार है। पता नहीं कित्थों सिर्फ अपनी बदलाखोरी जां अपनी खाना पूर्ति जां लोकां दी लोक लुभाउणियां गल्लां जिहड़ियां ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने और बेअदबी का सही इंसाफ लोगों को नहीं दिलवा सकी। सरकार असल दोषियों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है, इसलिए खाना पूर्ति करने के लिए अब डेरा श्रद्धालु को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से पुलिस सरकार की शह पर इस मामले को उठा रही है। हालांकि इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार व्यक्तियों के नार्कोटिक टेस्ट व फिंगरप्रिंट भी लिए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष जांच टीम राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक भी डेरा श्रद्धालु के खिलाफ जांच में कोई सबूत मिलता है तो वह अपना सिर कटवा देंगे। प्रदीप सिंह की पत्नी सिमरन कौर ने कहा कि रविवार को उनके पति को पुलिस यह कहकर उठा ले गई कि उन्हें थाना सिटी लेकर जा रहे हैं, लेकिन 2-2.5 घंटों तक पता नहीं लगा कि वे कहां लेकर चले गए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें धक्के से फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब पहले गिरफ्तारी हुई थी तब पीट पीट कर और बच्चों को उठाने की धमकियां देकर बयान लिखवाए गए थे। इन पारिवारिक सदस्यों ने कहा कि जब इससे पहले हो चुके टेस्टों व गिरफ्तारी के दौरान कोई सबूत सामने नहीं आए तो अब यह मामला रद्द कर देना चाहिए। हाँ जी, मेरे पति ने एतवार को 4:15 बजे रेस्ट किया। इन्होंने कहा भी सिटी लैके चले। मैं पूछा कितने लैके जा रहे हैं, कहने सिटी थाने लैके चले हैं। तो 2-2.5 घंटे तक सानू यह नहीं पता लग्या कौन बंदे सी, कितने लैके गए, किहड़ा तरीका है रेस्ट करन दा, घर दे पता ही नहीं मैंबरां नू भी कितने लैके गए साडे मैंबर। असी इस गल तो बहुत परेशान हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करना तो बहुत दूर की गल, असी इदा सोच भी नहीं सकते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ, ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸੀ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਕਣ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਜਾਣਕ ਆ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਡਰ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੱਟ, ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਫ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਰਿਮਾਂਡਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CBI ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੀ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।